अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज के हैश में, आज के डे में हमारा हैश 59 जा रहा है, जिसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन है पेज नंबर 130 की, एंड वर्क है हमारे पास पेज नंबर 136 का, कॉपी वर्क है वो भी। पहले चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर, पेज नंबर 130 पर। सो लुक एट हियर इज पेज नंबर 130 एंड द टॉपिक इज़ मनी डिवीजन। हमने जैसे कि अब तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, आज हम लर्न करेंगे डिवीजन के बारे में। लुक एट डिवाइड मनी द सेम वे एज वी डिवाइड नंबर्स। जैसे हम हर टॉपिक में पढ़ते आए हैं कि हमने चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो मनी की, हमने इनको सेम वे इसमें करना है, जैसे कि हम सिंपल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, एज इट इज़ हमने मनी को भी डिवाइड करना है। रिमेंबर टू ऐड द पॉइंट टू प्लेसेस फ्रॉम द राइट टू शो रुपीज़ एंड पैसे इन द आंसर। जैसे कि ये भी आपको हमेशा हर टॉपिक पर कहा गया है कि आपने हमेशा बस ये याद रखना है कि राइट साइड से आपने टू प्लेसेस, टू यूनिट्स को स्किप करते हुए आपने पॉइंट पुट करना है टू शो द रुपीज़ एंड पैसे इन द आंसर। लुक एट हियर, द फर्स्ट आपके पास 7 इज़ अ डिवाइजर, 8.45 दिस इज़ योर डिवाइडेंट। आपने इसको डिवाइड करना है, जैसे हम डिवाइड करते हैं सिंपल, हमारे पास अंदर 3 डिजिट है तो आप पहले से ही देख लेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे इसको सॉल्व करने के। पहला स्टेप हम सॉल्व करते हैं एक यूनिट से एक यूनिट को। 7 के टेबल हम देखेंगे, 7 के टेबल में 8 आता है, नो, इससे छोटी वैल्यू हम 7 के टेबल में देखेंगे तो 7 आता है एंड 1 टाइम्स आता है। आप सबसे पहले ऊपर RS मेंशन कर देंगे, हम ब्रैकेट के अंदर RS नहीं मेंशन करते, इसलिए आप ब्रैकेट के ऊपर आंसर में साइड पर RS पहले मेंशन कर देंगे, या चाहे आप आंसर कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं। तो 7 के टेबल में 8 नहीं आता, 7 आता है, इससे छोटा 1 टाइम्स आता है। 1 हमने ऊपर लिखा, 7 हमने नीचे लिखा, 7 के टेबल में 1 टाइम क्या आता है, 7, जो कि हमने 8 के नीचे लिखा बिकॉज हमने अभी 8 को सॉल्व किया है। दो वैल्यूज हमारे पास हो गई, अब हम इन्हें माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाकर अंडरलाइन करेंगे। 8 माइनस 7 हमारे पास क्या आंसर आया, 1। 1 के बाद हमारे पास 7 के टेबल में 1 नहीं आता, हम इसके साथ सेकंड यूनिट को उतारेंगे, सेकंड डिजिट को, दिस इज विच इज़ 4, जो हमारे पास 4 है, हमने 4 उतारा। अब 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता, हम दो यूनिट्स को मिलाकर देखेंगे क्या हमारे पास आता है, 7 के टेबल में 14 आता है, सो यस इट्स कम्स 2 टाइम। हमने 2 पर लिख दिया, आप पॉइंट को छोड़ दें, पहले आप इसे सॉल्व करें, पॉइंट हम बाद में पुट करेंगे। पहले हमने 2 लिखा ऊपर, 1 के बाद 2, तो नीचे क्या आया, 7 के टेबल में 2 टाइम्स क्या आता है, 14। ये 14 तो हमारे पास सॉल्व करके ऊपर वाला था, जो हमने ऊपर से नीचे उतारा और माइनस का था। 7 के टेबल में 2 टाइम 14 आता है, जो आप दोबारा एग्जैक्टली इसके नीचे उतारेंगे कि हमने इस 14 को सॉल्व किया है। तो 14 लिख लिया, 2 वैल्यूज हमारे पास हो गई, अब हम इन्हें माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाकर अंडरलाइन लगाकर। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 9 0। आप यहाँ पर क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं या कुछ भी नहीं लगा सकते, इट्स अप टू यू। 4 माइनस 5 0, ठीक है, दिस इज सॉल्व। अब नीचे आपके पास कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है, अब आपके पास ऊपर वाला एक थर्ड नंबर बाकी है, थर्ड वैल्यू, आपने थर्ड वैल्यू को नीचे उतारा 5। अब 7 के टेबल में आप देखेंगे 5, 7 के टेबल में 5 आता है, नो, तो आप इसकी जगह, 7 के टेबल में 5 नहीं आता, आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो आपने 0 लिखा, 0 0 टाइम आएगा, 0 आपने ऊपर भी लिखा और 0 आपने नीचे भी लिखा, दो वैल्यूज हो गई आपके पास, 5 में से 0 गया तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, जिसको आप रिमाइंडर मेंशन कर देंगे। और ऊपर आपके पास 120 आया ना, आपके पास 20 के बाद, अब देखो आपके पास पॉइंट तो हम, मैंने कहा बाद में हम लगाते हैं, तो 120 जैसे कि आपका आंसर है, तो दो वैल्यूज़ को राइट साइड से, दो वैल्यूज़ को आप स्किप करते हुए जैसे आप फिर लगा देंगे पॉइंट, तो क्या बन गया आपके पास, 1.20। साइड पर आपने RS मेंशन करना है, RS 1.20, ये R इज़ शोन फॉर रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर जो है 5, आपने यहाँ पर रिमाइंडर 5 P लिख दिया। 5 क्या है हमारे पास, पैसे, रुपीज़ 1.20 एंड रिमाइंडर 5 पैसे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसके काम पर, तो पेज नंबर 136 पर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी पेज नंबर 130, डिवीजन जो कि अभी हमने सीखा, नाउ डू पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, कॉपी वर्क है हमारा। AF पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 AF कॉपी वर्क। लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 136 A एंड क्वेश्चन नंबर F, ये हमारा कॉपी वर्क है। चलते हैं कॉपी वर्क पर, या तो हमारे पास कॉपी, हमने यहाँ पर डेट, डे, हैश, इंडेक्स मेंशन किया। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स पर जैसे कि हम अब तक सब्ट्रैक्शन काम कर चुके हैं पहला, दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अब आज की डेट जो भी आपकी डेट होगी उस डेट के साथ आप मंथ, ईयर लिखकर, सीरियल नंबर एक लाइन स्किप करके डिवीजन आप मेंशन करेंगे, पेज नंबर 136 मेंशन करेंगे। अब चलते हैं काम पर। काम पर आने के बाद सिंपली जैसे हम डेट, लाइन, डेट, डे, हैश, एवरीथिंग मेंशन करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद डेट, डे जो आपका होगा आप वो यहाँ पर लिखेंगे। हैश हमारा 59 है, क्लास वर्क, पेज नंबर आपने यहाँ पर 136 मेंशन करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपने साइड पर मेंशन किया और क्वेश्चन आपने पेंसिल से लिखना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है पेंसिल से लिखा हुआ।
स्पेस होना चाहिए आपका, राइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। पेंसिल से आपने इंग्लिश का क्वेश्चन लिखने के बाद आपने पहला क्वेश्चन उतारना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ए एंड एफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमने उतारा है इंग्लिश का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको ए नज़र आ रहा है जो कि मैंने बुक से उतारा है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ए हमारे पास है क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक लाइन स्किप करके आपने ब्लू कलर से साइड पर ए मेंशन करना है। आपके पास अंदर 1, 2, 3 वैल्यूज थी, 3 यूनिट्स थे, तो आपने 3 यूनिट्स तक आपने ब्रैकेट बनाया ब्लू कलर से, जैसे एज इट इज़ बना हुआ है सेम आपने काम करना है। बाहर आपने डिवाइजर लिखा, अंदर आपने एक बुक्स में जस्ट आर एस मेंशन किया और एक ही दो बुक्स में बाकी आपने पूरे अपने 3 यूनिट्स को लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन स्किप करके ब्लू कलर से ही आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद फिर आपने वर्टिकल फॉर्म में एक लाइन स्किप करते हुए, हॉरिजॉन्टल में 2 लाइन स्किप करते हुए आपने यहाँ पर एज इट इज़ ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट ब्लू कलर से आप बनाएंगे, वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं आपने ब्लू कलर से ही लिखनी है, लेकिन आर एस हमारे पास जो यहाँ पर था क्वेश्चन में वो हम सॉल्व करते हुए आर एस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, आपने इसको आंसर के साथ ऊपर लिख देना है, ठीक है। बाद में या पहले भी आप कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन उतार लेंगे इस तरीके से, डिवाइजर बाहर अंदर डिवाइडेंड, अंदर डिवाइडेंड के साथ आप आर एस नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3.85 हमने लिखा, 3 के साथ ही एक ही बॉक्स में हमने पॉइंट बना दिया, बाकी एक बॉक्स में हमारा एक यूनिट है, 8 वन बॉक्स में, 5 वन बॉक्स में, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 3 के टेबल में 3 आता है हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, 1 हमने ऊपर लिखा, 3 के टेबल में 1 टाइम क्या आता है, 3 आता है, 3 हमने नीचे लिखा एज इट इज़ 3 के नीचे, बिकॉज हम 3 को सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का साइन हमने ब्लू कलर से लगाया, अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद 3 - 3 कुछ नहीं बचा हमारे पास, हमने इसे क्रॉस मेंशन कर दिया। नाउ एक वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो गई, अब हम दूसरी वैल्यू करेंगे। 8 को हमने नीचे उतारा, कहाँ पर उतारा, जहाँ पर पहली वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आया, जो कि हमारे पास आंसर कुछ नहीं था, हमने वहीं पर उतारा। आपने ऐसा नहीं करना कि 3 के साथ उतार दें, ठीक है, जैसे कर रही हूँ वैसे ही करना, और आपको समझना भी है इसको, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इजीली जब आपका असाइनमेंट हो मार्क असाइनमेंट, तो आप इसे अच्छे से कर सकें। आपने इन चीज़ों को नोटिस रखना है कि आपने दूसरी वैल्यू कहाँ उतारनी होती है, माइनस के बाद नीचे, ठीक है, माइनस के बाद जो नीचे आंसर होता है उसके साथ आपने दूसरा यूनिट दूसरी वैल्यू उतारनी है, ठीक है। अब 3 के टेबल में 8 नहीं आता हमारे पास, आपने चेक करना है 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 के टेबल में 8 से छोटी वैल्यू क्या आती है, 6, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम, 2 हमने ऊपर लिखा और 2 टाइम क्या आता है, 6 आता है, तो 8 के नीचे हमने 6 लिखा, दो वैल्यूज हो गई, इन्हें माइनस करेंगे, माइनस के साइन ब्लू कलर से, अंडरलाइन, 8 - 6 आंसर होता है 2। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, लास्ट हमारे पास यूनिट बाकी है, हमने उसे नीचे उतारा, 3 के टेबल में दिस बिकम्स 25, 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता, इससे छोटी वैल्यू क्या आती है, 24, हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम, 8 हमने ऊपर लिखा, 24 हमने नीचे लिखा, दो वैल्यूज हो गई। अब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस का ब्लू कलर से साइन लगाएंगे, अंडरलाइन, 5 - 4 = 1, 2 - 2 क्रॉस, हमारे पास कुछ नहीं बचा। लिखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर नहीं मेंशन करेंगे, पहले आप इसका रिमाइंडर मेंशन करेंगे। रिमाइंडर आपने मेंशन किया, रिमाइंडर मेंशन करने के बाद नीचे आपको जैसे नजर आ रहा है आपने ब्लू कलर से आर एस मेंशन करना है, आर एस इज इक्वल टू जो ऊपर का आपका आंसर होगा 1.28। अच्छा, पॉइंट तो हमने कैसे लगाया, सॉल्व करने के बाद आपने राइट साइड से 2 प्लेसेस को स्किप करते हुए 2 यूनिट्स के बाद हमने बीच में पॉइंट लगाया, ठीक है। आर एस इज इक्वल टू 1.28, रिमाइंडर आपने ब्लू कलर से लिखा, रिमाइंडर आपने मेंशन किया, हमारा रिमाइंडर क्या था, 1, इसके बाद आपने नीचे ब्लू कलर से आंसर की हेडिंग मेंशन करनी है, ठीक है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए, इसके साथ है हमारा ऑप्शन एफ, ठीक है, ए एंड एफ। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर एफ। अब आप सेकंड पेज पर आकर सेम एज इट इज़ आप डेट डे हैश क्लास वर्क मेंशन करेंगे। पेज नंबर 136 मेंशन किया, क्वेश्चन नंबर एफ मेंशन किया, एक लाइन स्किप करके ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर देख लें, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है, क्लास वर्क मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देख लें क्वेश्चन के अंदर हमने डिवाइजर लिखा बाहर की तरफ, अंदर एक बॉक्स में हमने आर एस लिखा और 2 बॉक्सेस में हमने एक साथ पूरे जितने भी यूनिट थे हमने उनको लिख दिया। एक लाइन स्किप करके सॉल्यूशन की हेडिंग दी, फिर एक लाइन स्किप करके हमने ब्रैकेट बनाया, आर एस जैसे कि हम नहीं लिखते सॉल्व करते हुए, बाकी हमारे पास कितने यूनिट्स है, 4, तो हमने 4 बॉक्सेस तक हमने ब्रैकेट को ड्रॉन किया, ठीक है, ब्रैकेट बनाया। नाउ 4 के टेबल में 2 नहीं आता, हम डायरेक्ट एक साथ 2 वैल्यूज लेंगे, क्या बन गया, 22, 4 के टेबल में 22 आता है, नो, इससे छोटी वैल्यू आती है 20, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम, 5 हमने दोनों बॉक्सेस के बीच में ऊपर लिखा, 4 - 5 का आता क्या है, 20 हमने यहाँ लिखा, दो वैल्यूज हो गई। अब हम इसे माइनस करेंगे, 2 - 2 क्रॉस एंड 2 - 0 - 2, माइनस और अंडरलाइन आपने ब्लू कलर से ही लगाना है। अब 4 के टेबल में 2 नहीं आता, हम 7 वाली वैल्यू उतारेंगे, थर्ड यूनिट जो कि हमारे पास 4, अब 4 के टेबल में 2 नहीं आता, 24 आता है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 हमने ऊपर लिखा और क्या आता है, 6 टाइम 24 हमने 24 के नीचे लिखा, माइनस का साइन ब्लू कलर से, अंडरलाइन, 4 - 4 कुछ भी नहीं बचता हमारे पास, आपने क्रॉस लगा दिया, 2 - 10 कुछ भी नहीं बचता, आपने क्रॉस लगा दिया।
ज़ीरो जो है आपके पास एज इट इज़ आपने नीचे उतार दिया, लेकिन अब याद रखिएगा ज़ीरो हमारे पास जब हम मनी को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ज़ीरो हम नीचे भी लिख देते थे और हम आंसर में ऊपर भी लिख देते थे, यहाँ पर हम ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ नंबर्स की नहीं रुपीज़ की हो रही है। जैसे कि अब देखें हमारे पास यहाँ पर लास्ट में ज़ीरो आया, अब मैं ज़ीरो अगर ऊपर लिख देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 560, ठीक है। और फिर जैसे कि हम दो यूनिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे, ये हमने दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दिए, तो ये क्या बन रहा है 5 रुपीज़ 60 पैसे, जो कि हमें नहीं बनाना। अगर ज़ीरो हम नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा 5 रुपीज़ 6 पैसे, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है सिंपल, अगर आपके पास डिवाइड होते हैं, नंबर्स के डिवाइड होते हैं, तो आप ज़ीरो नीचे भी उतारते हैं जो सॉल्व नहीं होता, और ज़ीरो ऊपर भी लिखते हैं। लेकिन जब हम मनी को डिवाइड करते हैं तो मनी के डिवाइड करने में ज़ीरो हम नीचे तो लिख देते हैं लेकिन ऊपर आंसर में नहीं ऐड करते, ठीक है। ये हम मिटा देंगे यहाँ से। तो अब हमें पॉइंट का लगाना है। देखो अगर हम दो टोटल हमारे पास ऊपर दो ही नंबर्स आए हैं, दो यूनिट आए हैं आंसर के, तो हम पॉइंट कहाँ लगाते हैं दो नंबर्स के बाद, तो अब हम दो नंबर के बाद लगाएंगे तो वो तो हमारे पास यहाँ लास्ट में चला जाएगा ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक नंबर के बाद बीच में पॉइंट लगा देंगे। हम दोनों नंबर्स के बीच में एक ही नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आया 5.6, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने यहाँ पे मेंशन किया RS इज़ इक्वल टू 5.6, रिमाइंडर हमारे पास क्या था 0, ठीक है। रिमाइंडर आपने 0 लिखा, दिस इज योर आंसर। ए एंड एफ हमारा हो गया कॉपी वर्क, ठीक है। अब इसी के साथ देखें आपके पास 59 का ही डू क्वेश्चन नंबर 13, GL एंड होमवर्क। 13 का ए एफ अभी हमने किया कॉपी वर्क, देखें क्वेश्चन नंबर 13 का ए एंड एफ अभी हमने किया कॉपी वर्क, इसका जी एंड इसका एल ऑप्शन, ये है आपके पास होमवर्क। इसी तरीके से जैसे दो पेज का भी हमने क्लास वर्क किया, सेम एज इट इज़ आपने होमवर्क करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीननेस के साथ, ठीक है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, ए एंड बी कॉपी वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के ए एंड बी कॉपी वर्क देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये रहा सॉल्व दीस, हमने सॉल्व दीस लिखा। अब देखें यहाँ पे अगले पेज पर भी हमने डे हैश 59 136 लास्ट वर्क मेंशन करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन किया, सॉल्व दीस ब्लू कलर से लिखा, ऑप्शन ए एंड बी हमारे पास है। ऑप्शन ए हमने उतारा, RS एक बॉक्स में लिखा है 48.00, हमारे पास 4 यूनिट्स से हमने इनको दो बॉक्सेस में मिलाकर लिख लिया, एक बॉक्स में डिवाइड का साइन, नेक्स्ट 10, एक लाइन स्किप करके सॉल्यूशन की हेडिंग दी, एक लाइन स्किप करके फिर ब्रैकेट बनाया ब्लू कलर से, 10 आपने बाहर एक ही बॉक्स में लिखा, अंदर 48.00। आपके पास 4 यूनिट्स हैं, आप चाहे तो इसको एक बॉक्स में एक यूनिट भी लिख सकते हैं, मैंने दो बॉक्सेस में ही चारों यूनिट्स लिख दिए, ठीक है। लेकिन नीट एंड क्लीननेस के साथ आपने ये काम करना है अगर आप दो बॉक्स में लिखते हैं तो। अब देखते हैं 10 के डब्ल्यू में हमारे पास 4, एक यूनिट देखें तो नहीं आता, दो यूनिट्स को मिलाएंगे 48, 10 के डब्ल्यू में 48 भी नहीं आता, इससे छोटी वैल्यू आती है 40, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, 4 हमने ऊपर लिखा 40 हमने नीचे लिखा, इन दोनों का सॉल्व कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों के नीचे एग्जैक्टली नंबर आएगा, ठीक है। अब 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 4 क्रॉस का साइन, ठीक है, माइनस एंड अंडरलाइन आपने ब्लू कलर से ही लगाना है, 8 माइनस 0 8 आ गया। अब 10 के टेबल में 8 भी नहीं आता, ऊपर से हमने एक यूनिट उतारा 0, ठीक है, क्या बन गया 80, 10 के टेबल में 80 8 टाइम्स आता है, 8 हमने ऊपर लिखा नीचे हमने 80 लिखा, 80 माइनस 80, माइनस करेंगे दो वैल्यूज को, माइनस एंड अंडरलाइन, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लास्ट हमारे पास था 0, 0 हमने यहाँ नीचे लिखा, और जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि हम 0 ऊपर मेंशन नहीं करते जब हम मनी की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब हमारे पास फिर हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, जैसे कि पहले भी कहा दो ही नंबर हैं तो हम दोनों के बीच में ही पॉइंट लगा देंगे एक वैल्यू के बाद, ठीक है। अब नीचे आप मेंशन करेंगे RS इज इक्वल टू ब्लू कलर से, फिर उसके बाद 4.8, रिमाइंडर ब्लू कलर से 0, हमारे पास रिमाइंडर 0 है, नीचे आपने आंसर मेंशन कर देना है, ठीक है। और आप यहाँ पर साइड पर 0 को रिमाइंडर भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ये ए मैंने कर दिया, इसका बी आप कर लीजिएगा, इसमें सॉल्व नहीं करवा रही बिकॉज फिर वीडियो और लेंथी हो जाएगी। ए एंड बी करने के बाद क्लास वर्क में इसी का फिर क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्वेश्चन नंबर 13 का ए एंड एफ हमने कॉपी वर्क किया, जी एंड एल आपके पास होमवर्क में गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ए एंड बी हमारा क्लास वर्क है, सी एंड डी आपका होमवर्क है, ठीक है। आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल क्लास वर्क एंड होमवर्क मिलाकर आपका ये 8 पेजेस का काम होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।